हिंसा को मैं समस्या की जड़ नहीं मानता। शस्त्रों को भी मैं समस्या नहीं मानता। समस्या है भय, और भय पैदा करने वाली समस्या है लोभ, धन का लोभ, धन की आसक्ति, धन का संग्रह और धन का अपव्यय। समस्या की जड़ वह है। मुझे महावीर की वाणी याद है कि परिग्रह के लिए हिंसा होती है, हिंसा के लिए परिग्रह नहीं होता। समस्या की जड़ परिग्रह है, धन है, अर्थ है, और आंतरिक समस्या उसकी लोभ आसक्ति है। हम मूल का स्पर्श करें, केवल पत्तों पर विचार करने से, केवल फूलों पर को देखने से कुछ नहीं। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तो यह तो पतझड़ भी आएगा और बसंत भी आता रहेगा और समाधान नहीं होगा। हम जड़ तक पहुंचें, सबसे बड़ी समस्या है अर्थ, और हमारी अर्थ नीति, अर्थ व्यवस्था पूरी संसार की वह स्वस्थ नहीं है, मानव विकास के हित में नहीं। हमने अहिंसा यात्रा के दौरान तीन शब्दों पर बहुत ध्यान दिया और काम भी किया था कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ अर्थव्यवस्था। मैं आज भी उस पर केंद्रित हूँ, मानता हूँ कि जब तक हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी समाधान नहीं होगा। अर्थ का संग्रह भय पैदा करता है, प्रलोभ, ये लोभ पैदा करता है, चाहे तो सत्ता का लोभ, चाहे दूसरे राष्ट्रों के स्वत्व को हड़पने का लोभ, चाहे धन का लोभ। यह सारा जो एक लोभ है, एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी मनोवृत्ति है या एक ऐसी इंस्टिंक्ट है कि जो समस्या पैदा कर रहा है और वह भय पैदा करता है। जहाँ भी सत्ता है भय है कि कोई छीन न ले, धन का संग्रह है तो भय है कि कोई लुटेरा न आए, चोर न आए, या कोई इनकम टैक्स कई रेड भी न पड़ जाए, भय है उसमें। अब भय है तो भय का शस्त्र का अनुबंध है, जहाँ भय है वहाँ शस्त्र का निर्माण होगा। जिस आदमी को डर लगा तो उसने शायद लाठी का विकास किया था। जैसे जैसे भय बढ़ता गया, लाठी से तलवार आई, तलवार से बंदूक आई, तोप आई, और आते आते अणुबम, अणुअस्त्रों का प्रयोग होने लग गया। ये सारा शस्त्रों का विकास लोभ के कारण हुआ है। हम शस्त्रों को मिटाने की बात करें, निरस्त्रीकरण की बात करें, बहुत अच्छी बात है, किंतु उसे पैदा करने वाली मानवीय मनोवृत्ति की बात न करें। वे समाप्त न हो तो शायद शस्त्रों की समाप्ति संभव नहीं लगती।